श्रीलंकाई गेंदबाज की एक ऐसी घिनौनी शर्मनाक करतूत कि दुनिया भर से नेगेटिव कमेंट और एक सफल क्रिकेटर होने के बावजूद उन्हें बस ड्राइवर की नौकरी करने को मजबूर होना पड़ा। बात है 2010 की, जब भारत की कसी हुई गेंदबाजी के सामने लंकाई टीम मात्र 170 पर ऑल आउट हो गई थी। आराम से खेलते हुए भारतीय टीम 35 ओवरों में इस लक्ष्य के 5 रन दूर थी। अगला ओवर लेकर आए सूरज रणदीप ने 99 रनों पर खेल रहे सहवाग को पहले तो बाय के रूप में फ्री का चौका दे दिया। फिर चौथी गेंद पर जब सहवाग ने जबरदस्त छक्का मारकर टीम की जीत और अपने शतक का जश्न मनाया, तभी अंपायर ने बताया कि ये एक नो बॉल थी, तो जीत गई पर 99 रनों पर नाबाद रह गए। अपने 30 मैचों में एक भी नो बॉल न डालने वाले सूरज ने जानबूझकर नो बॉल डाली थी और इस जेंटलमैन गेम को शर्मसार किया था। इसी वजह से वो अगले मैच से बैन किए गए और एक दो सालों में ही इस टैलेंटेड बॉलर को इग्नोर कर दिया गया। अब ये ऑस्ट्रेलिया में पिछले 3 सालों से बस ड्राइवर की पार्ट टाइम जॉब करते